हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि सावल क्लासेस मास्टर कैडेट साइंस की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन। और मास्टर कैडेट साइंस में 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो जो भी आप, चाहे आप मेडिकल से हैं चाहे आप नॉन मेडिकल से हैं, तो आप उनमें से 3 कोई से भी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। जो मैं सब्जेक्ट यहाँ पे टीच करूँगी वो है जूलॉजी। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कोमल है, मैंने MSc जूलॉजी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की हुई है, BSc मेडिकल मैंने DAV कॉलेज अबोहर से की है, मैं CSIR नेट क्वालिफाइड हूँ 2017 में, प्लस मैंने BEd के साथ साथ PSTET और RTech भी क्वालिफाई किया हुआ है। जो कोई इसको जो हमारा मास्टर कैडेट साइंस का बैचेस जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 29 मई से। इस वीडियो को हम 2 स्लॉट्स में रखेंगे। पहले स्लॉट में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, जो कि मेरे सब्जेक्ट का है जूलॉजी, और जो दूसरा स्लॉट रहेगा उसमें मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सावल क्लासेस के कोर्स को। ओके, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज फॉर जूलॉजी। ओके, जूलॉजी के अंदर जो हमारी टोटल यूनिट्स रहती हैं वो है 7 यूनिट्स। ओके, जो फर्स्ट यूनिट है जूलॉजी का वो है डाइवर्सिटी। जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग जगह पे हम खुद को देख सकते हैं, हम अपने आसपास देख सकते हैं कि हमें कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटीज है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, जो फर्स्ट यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और उसी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, जो बायोलॉजी है उसका बायोलॉजी किससे डील करता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है टू मैनकाइंड। ओके, बायोलॉजी सबको पता है कि जो भी ब्रांच डील करती है स्टडी ऑफ व्हाट, एनिमल्स प्लस प्लांट्स, बायोलॉजी में पूरा कवर होता है। ओके, बायोलॉजी में बॉटनी प्लस जूलॉजी पूरा कवर होता है। तो और उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे हम प्लांट से क्या फ्रूट्स ले रहे हैं, एनिमल से हम डिफरेंट वर्क करवाने की चीज़ें ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। ओके, उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का, जैसे हमारा खुद का नाम है, नेमिंग, सबसे पहले हमें पहचानेगा कैसे? हम कहीं भीड़ में खड़े हैं तो कोई हमें आवाज़ देगा, तो हम अगर हमारे नाम से देगा तो हम बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको पहचानने के लिए हम उनको एक प्रॉपर क्राइटेरिया के थ्रू उनका नेमिंग करते हैं। ओके, जिसको करता कौन है? IUCZN। ओके, IUCZN यहाँ पे क्या करता है? इसकी नेमिंग करता है। ओके, तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है, स्पीशीज क्या होती हैं, उनकी हायरार्की कैसे बनाई जाती है, किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, उसके बाद डिवीजन, फिर क्लास, फिर उसके बाद में ऑर्डर। ओके, और फिर उसके बाद में स्पीशीज, ये सब एक हायरार्की के थ्रू इसकी नेमिंग की जाती है। तो वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, जब भी हम आप पेड बैच में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे थ्योरी के थ्रू। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया से हम क्या डील करेंगे कि उसके फीचर्स, जहाँ पे जैसे कि हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है कि उसकी क्या हैबिटेट, कि मतलब वो जो भी ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करें वो कहाँ पे रहता है, उसके बाद में उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो क्या खाता है, कब सोता है, कब जागता है, उसके बाद में उसकी मॉर्फोलॉजी, वो देखने में कैसा है। ओके, उसके क्या है, उनकी आँखें कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, वेंट्रली सिचुएटेड है, डोर्सली सिचुएटेड है, ये सब चीज़ें। और उसका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब हम उससे क्या चीज़ करवा सकते हैं, हमारी डेली यूज़ में उसको कैसे लेके आ सकते हैं, उसका क्या यूज़ है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्लासिफिकेशन, उसके बाद में जो है क्लासिफिकेशन करेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स, जो कि कहाँ पे होगी? फाइलम लेवल तक। सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, दैट इज अप टू क्लास लेवल।
क्योंकि जब भी हम कॉर्डेट्स एक खुद फाइलम है और इसकी जब हम आगे क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्लासेस आती है पाइसेस जो कि फिशेस से डील करती है, उसके बाद आता है एम्फीबिया जो कि फ्रॉग से डील करती है, और उसके बाद आते हैं हमारे रेप्टाइल्स। ओके, रेप्टाइल्स के बाद में आते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद में आती हैं मैमल्स। ये सब क्या है, क्लासेस हैं, ठीक है। इनको आप, कई बच्चे होते हैं इनको एज अ फाइलम ले लेते हैं, दैट इज नॉट फाइलम, दीज आर क्लासेस। ओके, ये क्लासेस है, यहाँ पे फिशेज आते हैं, यहाँ पे फ्रॉग्स आते हैं, यहाँ पे स्नेक्स, लीजर्स, और बर्ड्स में आपको पता ही आप रोज देखते हैं, मैमल्स में हम खुद हैं, ठीक है। तो ये सारी जो पहले है उसमें हम सारी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे नेम दिया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। जो सेकंड यूनिट है वो किसके साथ डील करता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। हमने पहले उसको क्लासिफाई कर लिया, फर्स्ट यूनिट में हमने उसको क्लासिफाई कर लिया, उनको नेम दे दिया। अब उसके बाद में हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिजम्स रहेगा ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको स्टडी करेंगे। तो उसको कैसे स्टडी करेंगे, उसके क्या स्ट्रक्चर है, वो किस, उसका टिश्यू लेवल पे क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी देखने में कैसा है, एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या, किसको देखते हैं हम, एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं, और जो एनाटॉमी है उसकी हम इंटरनल फीचर्स को डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या आ जाएगा कि उसके कितने हाथ हैं, कितने पांव हैं, कितनी आंखें हैं, कहाँ पे सिचुएटेड हैं, कैसे हैं, ठीक है। इंटरनल फीचर्स में क्या रहेगा, हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करेंगे कि पहली लेयर कौन सी है, दूसरी लेयर कौन सी है, उसके अंदर कौन से सेल्स हैं, मेसोडर्मल सेल्स कौन से हैं, ये सब चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, एनाटॉमी के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, कि जो भी हम स्टडी करेंगे, मान लो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के तौर पे तीन चीज़ें दी हुई हैं हमारे सिलेबस में, अर्थवर्म, फ्रॉग एंड इंसेक्ट, ठीक है। तो इसी का, अर्थवर्म का हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम फ्रॉग का पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम इंसेक्ट, और इंसेक्ट में हमें किसका पढ़ना है, कॉकरोच का पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सारा पढ़ेंगे। तो फॉर जनरल इंट्रोडक्शन पहले देखो क्या होता है हमारा, जो सबसे पहला जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, सेल होता है, और सेल आपस में गैदरिंग करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू आपस में गैदरिंग करके बहुत सारे टिश्यूज डिफरेंट काइंड के, मैं आपको डिफरेंट कलर से, डिफरेंट काइंड के जो टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गन बनाते हैं, ओके। और ऑर्गन के बाद में ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, स्टमक है, लीवर है, सब एक सिस्टमैटिक वे में प्रोग्रेस करते हैं, और ये ऑर्गन से पूरा का पूरा क्या बन जाता है, आपके पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ओके। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ से जो एनिमल किंगडम से काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, एनिमल किंगडम इम्पॉर्टेंट है, ओके। और दूसरा हमें सबसे, मैं कह सकती हूँ बड़ी यूनिट जो है हमारे पास है वो एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी काफ़ी बड़ी यूनिट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा उठाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको, अब नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी थर्ड, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसे देख लेते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या रहेगा आपका, सबसे पहला टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन इज कि जैसे हम, आप क्या करते हो, फूड कर लेते हो, आप फूड कंज्यूम करते हो, फूड किसकी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हो, आप किस फॉर्म में ले रहे हो, एक चपाती की फॉर्म में या हम वेजिटेबल की फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पीस है हमारी बॉडी
उसको एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो हमने फूड्स को क्या किया, स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको तोड़ लिया। ओके, जो फूड है उसको हमने स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ लिया। उस स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ के उसके बाद में इनको बिल्कुल माइन्यूट, इससे भी माइक्रो पार्टिकल्स में टूटने के बाद ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। और जो ये लास्ट में जो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके जो भी जो इतना भी प्रोसेस है वो एक ट्रैक के थ्रू जाता है। जो हमारा फूड है पहले हम माउथ से लेंगे, उसके बाद में वो हमारी फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन स्मॉल में जाएगा, फिर लार्ज में जाएगा और फिर वो फीकल मैटर की तरह बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पूरा ट्रैक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब ये एलिमेंट्री कैनाल अकेला तो उसको ट्रांसफर करते करते डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे इसके साथ में काफी सारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जिनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स मेजरली जो यहाँ पे हमें काम आएगा वो क्या आएगा, केमिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं और वो जाके अटैक करते हैं किसके ऊपर, इन फूड, इस फूड के ऊपर। और ये फूड को किस में, स्मॉलर पार्टिकल्स में, और फिर इसी फूड को मोर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करते हुए इतना अच्छे तरीके से इसको डाइजेस्ट कर देंगे कि हमें किस फॉर्म में मिल जाएगा, हमारी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मिल जाएगा। एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन सी होगी, जो कि हमारी ब्लड के साथ जा सकती है। ठीक है, फिर ये ब्लड जो है हमारा पूरा का पूरा हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। जैसे कि मान लो हमने जो कार्बोहाइड्रेट लिया है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने प्रोटीन लिया है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फर्दर मोर वो हम सारा डिटेल में हमारे बैच के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के बिना तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते। ठीक है, तो जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इससे अलग होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, हमने जो एयर ब्रीद की उसमें सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो उसके बाद में जो हमारी रेस्पिरेशन होगी ब्रीदिंग के टाइम पे, जो भी हमने कंज्यूम किया उसमें से धीरे धीरे हमारे नॉस्ट्रिल से एंटर होगा, नॉस्ट्रिल में हमारे हेयर्स हैं वो उसको प्यूरीफाई करेंगे, धीरे धीरे ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया में प्यूरीफाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे शुरू होगा, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके ये जाएगी कहाँ पे, ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया के बाद में ये लंग्स में जाएगी, लंग्स में कहाँ पे, ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से ये एल्वियोली में जाएगी। ठीक है, तो एल्वियोली में जाके यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगा, उसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसके बाद में क्या मैकेनिज्म रहेगा, कैसे हम ब्रीथ करते हैं, किस किस पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कैसे वो जा रहा है, उसके बाद में वो कैसे कंज्यूम हो रहा है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कंज्यूम हुआ ब्लड में चला गया, फिर वो ब्लड उसको कैसे आगे लेके जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कितनी हमारे लंग्स में रहती है, कितनी वॉल्यूम कितनी हमारे ट्रांसफर होती है, ये सब चीज़ें। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कि जो भी अगर हम गलत जो पॉल्यूटेड एयर है उसको इनहेल कर लेंगे तो उससे कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद में कॉम्पोजिशन, और हार्ट क्या पंप कर रहा है, ब्लड। सो ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस सबसे पहले उसका जो कॉम्पोजिशन है वो स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुप्स कौन से होते हैं, ए बी ओ। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, कैसे वो कोगुलेट कर जाता है, कैसे हमारा जो ब्लड है वो हमारे आर्टरीज में, वेन्स में क्यों नहीं कोगुलेट करता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हेपरिन है। ठीक है, कॉम्पोजिशन, लिम्फ के क्या फंक्शंस हैं,
क्या स्ट्रक्चर है हार्ट की, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, उनकी क्या है, कार्डियक साइकिल कितने 0.8 सेकंड्स का होता है, कार्डियक आउटपुट कितनी आएगी 5 लीटर के अराउंड होती है, उसके बाद में ईसीजी, जैसे कि आपने ऐसे ऐसे देखा होगा ईसीजी में ऐसे ऐसे कर्व्स आते हैं, पी क्यू आर इस तरीके से, और टी वेव, ठीक है, ये वेव स्टडी करेंगे, और सेम उसी तरीके से डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में अब सारा प्रोसेस हो गया है, तो अब एक्सक्रीशन कैसे होगा, कैसे कैसे ये जो डाइजेशन हो चुका है, इवन ब्रीदिंग में भी, तो ये सारी चीज़ें जो इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी में आई हैं उनको कैसे हम अपनी बॉडी से बाहर लेके जाएंगे, उसको उस वाले सारे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और जो हमें पता है मेजरली किसके फॉर्म में होता है, यूरिन फॉर्मेशन, और ये क्या करता है, ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस ऑफ जो भी हमारे आयंस रहते हैं उनको बैलेंस किया जाता है, किडनी फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंसिन जो पूरा प्रोसेस है वो चलेगा, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन डिसऑर्डर, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। लोकोमोशन, लोकोमोशन में हम क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम, प्लस हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे मसल्स, ठीक है, जो मसल्स के बारे में, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कैसे उनको रिलैक्स हो रही हैं, कब वो क्या रिस्पॉन्स दे रही हैं, सब चीज़ें हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। आप देख ही रहे हैं कि ये कितनी बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जूलॉजी की जो यूनिट है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल मीन्स नर्वस कंट्रोल, जो हमारा ब्रेन करता है हमारी पूरी बॉडी को, और ब्रेन अकेला नहीं कर सकता, उसके बाद में ब्रेन सिग्नल देगा कहाँ पे, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के थ्रू आगे जाएगा पेरिफेरल सिस्टम में, पेरिफेरल सिस्टम उसको आगे लेके जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सारा सिस्टम है कि कैसे कैसे ब्रेन से सिग्नलिंग होके और कहाँ हमारी जो जिस मसल को मूव करना है वहाँ तक कैसे जाती है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे ही हम अगर किसी हॉट प्लेट को टच करेंगे तो हम अपने आप अपना जो हाथ है वो बिना सोचे समझे पुल कर लेंगे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आईज, नोज, ईयर्स, ये सारे हमारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर इनकी क्या है, ये फंक्शन ऑफ आई, ईयर, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ये जो हमारा सारा का सारा हार्मोन का जो कॉम्पोजिशन है, कहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, जैसे कि हाइपोथैलेमस हमारा मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, ये सारे के सारे ये इसको इंस्ट्रक्ट करेगा। पिट्यूटरी सब ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्ट करता है टू रिलीज डिफरेंट हॉर्मोन्स, ठीक है। सारे के सारे जितने भी जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इनमें डिफरेंस क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जो एंडोक्राइन होता है उसमें जो भी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, और एक्सोक्राइन में किसी आर्टरी के थ्रू या कोई से भी जो मेजर पाइप रहेगी, एक हिसाब से हम इसको अगर जनरल लैंग्वेज में बोलें तो एक पाइप के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू वो जो सारा का सारा जो केमिकल है या हार्मोन है वो रिलीज होगा। और एंडोक्राइन में क्या होता है, सीधा का सीधा डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। पाइप की जगह आप यहाँ पे वर्ड कर यूज कर सकते हो डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू अगर कोई भी हार्मोन या फिर कोई भी केमिकल मूव कर रहा है तो वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जब यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो उसमें डायरेक्टली वो ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम में उस हार्मोन को रिलीज कर देता है, और इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं अगर ये एक्सेस में हो जाए या फिर ये क्या हो जाए, डेफिशियंट हो जाए, तो इन दोनों ही केस में ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से आप सारे ही फेमिलियर होंगे वर्ड से कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस यंग वंस, प्रोड्यूस क्या करना है यहाँ पे, यंग वंस, यंग वंस को प्रोड्यूस करना है, वो दो मेथड से हो सकता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल, बट यहाँ पे हम डील करेंगे सेक्शुअल मोड पे, और वो भी किसका, ह्यूमन का,
ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा जाएगा, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, ओवरीज, गैमेटोजेनेसिस, कैसे कैसे हमारा जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, ये सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जैसे स्टार्टिंग में होता है जाइगोट, उसके बाद आती है मोरूला स्टेज, उसके बाद आती है ब्लास्टुला स्टेज, उसके बाद आती है गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारा का सारा जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब जाइगोट कहाँ जाके यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, कौन सी स्टेज पे होता है, मोरूला स्टेज पे होता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी डिस्कस करेंगे, और पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, और जब सेकेंड इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पे बर्थ कंट्रोल, उसके लिए कौन से मेडिसिन आते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, क्या कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, ये सारी की सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो एमनियोसेंटेसिस है, जहाँ से जेंडर का पता किया जाता है, वो डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी की क्या, इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है, क्या उसके रीजंस होते हैं, प्लस उनको हम कैसे ही क्योर कर सकते हैं। आज का जो एडवांस साइंस है उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं, जैसे IVF, GIFT, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और जो गिफ्ट है वो है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे जाइगोट स्टेज पे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, यहाँ पे गैमीट स्टेज पे गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली इन फेलोपियन ट्यूब। ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम उसको डील किया जाता है इनफर्टिलिटी को। नेक्स्ट हमारा है सेल बायोलॉजी, जो कि हमारा बहुत ही बेसिक यूनिट है। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। सेल बायोलॉजी में हम पूरा का पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, उनके क्या क्या जो कॉम्पोजिशन है, उसके क्या फंक्शंस है, इन सब के बारे में यहाँ पे डील करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। राइबोसोम्स क्या करती हैं, प्रोटीन डेवलपमेंट में काम आती हैं। प्लास्टिड्स कुछ पिगमेंट्स कैरी करते हैं। सीलिया, फ्लैजिला जो कि मूवमेंट में काम आते हैं। सेंट्रियोल्स जो कि स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन में सेल साइकिल जो कि हमारा कितना होता है, 24 आवर्स का होता है। और ये 24 आवर्स में क्या 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 होता है, माइटोसिस। जो सेल्स है, सेल की जो डिवीजन है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या है, बॉडी का हर सेल करता है। माइटोसिस जो है बॉडी का हर सेल करेगा, ओके, एवरी सेल विल डू माइटोसिस। बट मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, गैमेट्स, और हम कह सकते हैं यहाँ पे गोनैड सेल्स। उसके अलावा गोनेड्स में क्या आ जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरीज एंड टेस्टिस, ओके, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो और उसके बाद में हमारा सेल डिवीजन के साइकिल का पढ़ेंगे, जिसमें हमारा माइटोसिस फेज होता है, जो G1 होता है फेज, फिर उसके बाद में हमारा S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर उसके बाद में माइटोसिस फिर से आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रोथ फेज है, और यहाँ पे क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमने हमारे पेरेंट्स से जो कंज्यूम किया, थ्रू व्हाट, गैमेट्स। गैमेट्स के थ्रू हमारे जीन्स आए हैं, सारा कुछ जो भी हमने लिया है पेरेंट्स से वो हमारे गैमेट्स, उनके गैमेट्स के थ्रू आया, और हम भी आगे जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो जीन्स का ट्रांसफर होता है उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, और वो हमेशा हम बिल्कुल अलाइक नहीं है हमारे पेरेंट्स के। ओके, कोई भी जो इंडिविजुअल है
एक्सेप्ट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअली जो भी उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे उनकी रिजेंबलेंस बहुत कम होती है बट कम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन कैसे आती है ये सब हम हमारे कोर्स के टाइम पे पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें मेंडल जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उसने क्या क्या जो 7 बेसिक चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से हम इसको हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में को डोमिनेंस मीन्स जब हमारी दोनों ही एलील्स डोमिनेट करें, जैसे इसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप ए बी, दोनों ही डोमिनेट करती है इसीलिए हम उसको ब्लड ग्रुप ए बी बोलते हैं। मल्टीपल एलील्स में क्या होता है कि बहुत सारी एलील्स ए बी सी डी ई सारी की सारी एक ही करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें आई कलर, ठीक है, जैसे बहुत सारी हमारी जो आईज का कलर है वो बहुत वेराइटी में, तो उसको हम मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है, प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक जीन से बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना। प्लियोट्रॉपी मीन्स वन जीन कैन कंट्रोल वेरियस बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं, जैसे कि एक जीन है जो आई कलर को भी इफेक्ट कर रहा है, जो कि उसकी लाइफ वाइबिलिटी को भी कर रहा है, उसकी एज को डिफाइन कर रहा है, उसकी स्किन कलर को डिफाइन कर रहा है एक ही जीन, तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम वीट का एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे उनका डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एलील्स उसमें आगे, अगर ए बी सी आया है तो उसका कलर कुछ और रहेगा, ए ए बी बी सी सी आया तो उसका कलर कुछ और रहेगा, ए ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो उसका कलर कुछ और रहेगा। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसमें डिस्कस करेंगे, तो हम सारा का सारा जो डील करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इन सब के क्लाइनफ्लिंटर सिंड्रोम जिसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है मेल्स में, टर्नर में, फीमेल में, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मॉलिकुलर लेवल पे कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, मींस हमारे डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे, उसकी क्या स्ट्रक्चर है डीएनए की, आरएनए की, उसकी डीएनए हमारा बहुत बड़ा है जो कि हमारे एक छोटे से सेल में पैक होता है, तो वो बहुत सारे चीज़ों को मिला के पैकिंग की जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, हमारा जो डीएनए हम फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग्स में तो उसको वो रेप्लिकेट होता है, एग्जैक्ट जो डीएनए है या हमारा जो न्यू सेल बन रहा है माइटोसिस के थ्रू उसको भी तो डीएनए चाहिए, तो वो पूरा एग्जैक्टली जो हमारा डीएनए है उसी को रेप्लिकेट किया जाता है, तो वो सारा प्रोसेस करेंगे। सेंट्रल डोग्मा का मतलब है डीएनए से क्या बना आरएनए और आरएनए से क्या बना प्रोटीन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल डोग्मा में चलेगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन। जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड कौन से कोड से, हम जब वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हम कोड्स के बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना, और उसके बाद में इनका जीन का एक्सप्रेशन ये भी लिमिटेड होना चाहिए, तो इसका रेगुलेशन किया जाता है जिसमें हम लैक ऑपरॉन जीनोम और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक चलाया गया था जिसमें पूरे के पूरे ह्यूमन के डीएनए को स्टडी किया था, वो सारा का सारा उसमें से क्या क्या निकल के आया था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन आप भली भांति जानते होंगे, एवोल्यूशन में क्या है, हम जैसे हम हमेशा ही देखते हैं कि कहाँ से हमारी ओरिजिनेट हुई है लाइफ, एक समुंदर से, ठीक है, ओशियन से पानी के अंदर हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी। धीरे 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 जो सारी चीज़ें हैं वो बनती चली गई, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम एक ओशियन से लेके लैंड तक आए, और लैंड में भी हम एडवांस होके, सबसे एडवांस कौन है अब इस अर्थ पे, ह्यूमन, उस एडवांस स्टेज पे कैसे गए, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन में। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का जो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट बोल सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जिसके पास, वो हमेशा सिलेक्ट करती है नेचर, ठीक है, जो हम सर्वाइव कर सकता है, जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। इसके क्या एग्जांपल है, जीन फ्लो, हमारी जो पॉपुलेशन होती है उसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि एकदम से शॉर्टेज हो जाना जीन्स का,
हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या दिया था, कि क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जीन फ्लो को और ये सारी चीज़ें। अडेप्टिव रेडिएशन, यहाँ पे ये थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे होगा अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि एक ही जगह पे एक ही स्पीशीज से जब वो स्पीशीज किसी और लैंड पे चली गई, मान लो यहाँ पे इंडिया में कोई स्पीशीज थी, वो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चली गई, एक अमेरिका में चली गई, या इसी के इंडिविजुअल, इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल, मान लो कोई बर्ड था जिसमें से कुछ बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया में चले गए, कुछ बर्ड्स अमेरिका में चले गए, तो जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए उन्होंने नेचर के हिसाब से उसको अलग तरीके से अडेप्ट कर लिया, और जो अमेरिका में गए उन्होंने अलग तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट था तो उन्होंने उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया और वो दो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर दिया। हालांकि वो थी क्या, एक ही स्पीशीज थी, बट जो उन्होंने इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग में चले गए तो उन्होंने जो अपना चेंज कर लिया, सारा का सारा जो अडेप्टेशन था, उनकी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, एनाटॉमी चेंज हो जाती है, एनाटॉमी में मतलब कि उनके जो हार्मोन का रिलीज है वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडजस्ट कर लेती है, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। और सारा का सारा ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन पहले जैसा आज मॉडर्न ह्यूमन है दिखता है वैसा नहीं था, ठीक है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस तरीके से हेमोसेपियंस और हेमोपिथेकस और ये सब होते, एडवांस होते होते आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट सिक्स है वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से डील करती है, हेल्थ एंड डिजीज। पता ही है हम रोज पैथोजेंस, पैरासाइट्स, कितने पैथोजेंस के साथ में, पैरासाइट्स के साथ में डील करते हैं, हमारी बॉडी उनको, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है। मलेरिया जो कि बहुत ही कॉमन है, फ्लेरियसिस, एस्केरियसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमोबियसिस, रिंग वॉर्म, ये सारे आपके सिलेबस में मेंशन है। इनको कौन कौन कॉज कर रहा है, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए मेडिसिन होती हैं, सारी डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जब भी हमारे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है, कब करता है, जब कोई भी फॉरन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा जो बॉडी है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। तो इसके लिए इम्यूनोलॉजी की पैसिव इम्यूनिटी होती है और एक्टिव इम्यूनिटी होती है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो हम जो ज़्यादातर हम इनेट इम्यूनिटी बोल देते हैं उसे, कि जो हमने हमारी मदर से या हमारी जेनेटिकली जो हमने ली है और उसको रिस्पॉन्ड किया। वैक्सीन दूसरा होता है एक्टिव इम्यूनिटी, जो हम वैक्सीन के थ्रू लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी पहले हमारे जैसे पोलियो ड्रॉप्स हो गई, जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है वो एक बार के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए होती है, ताकि जब भी फर्दर कोई पोलियो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो तुरंत हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैंसर कैसे कॉज होता है, क्या प्रिवेंशन है, क्या मेडिकेशन है, एडोलेसेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ वो किस तरीके से आगे जाके इफेक्ट करता है। और अब ये जो सारी चीज़ें आ गई तो हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, एपिकल्चर, एपिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में डिफरेंट कैटल्स को रियर किया जाता है कि उनको जैसे गाय भैंस पालना, पर अब जो प्रोडक्शन है आपने भी देखा होगा कि न्यू न्यू वैरायटी के जो कॉटन आ रहे हैं, जो सारी चीज़ें वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का, जैसे कि हम लैक्टोबैसिलस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम दूध से उसका क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मिल्क से हम उसका क्या बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं। मिल्क से हम क्या बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमने उस माइक्रोब को, किसको, लैक्टोबैसिलस, इस माइक्रोब को लेके हमारा जो मिल्क था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मिल्क को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, सीवेज ट्रीटमेंट में, वेरियस सीवेज ट्रीटमेंट में हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे कैसे किया जाता है। तो उसमें जो सारा का सारा जो माइक्रोब्स यूज होते हैं वो उनको स्टडी करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी बायो में किसका यूज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना। जब हम बायो में जो हमारे सेल्स हैं उनको अगर किसी भी तरीके से बाहर की कोई टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो इस मॉडिफिकेशन को हम नाम देते हैं
सॉरी ट्रांसजेनिक, ठीक है, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर वो एनिमल में कर रहे हैं तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा, अगर वो हम प्लांट में कर रहे हैं तो वो प्लांट हो जाएगा, और वो जीन्स में जाके जेनेटिक लेवल पे होता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जाम्पल है बीटी कोटन, ट्रांसजेनिक एनिमल। बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स, हमारी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो कि राइस की वेराइटीज़ हैं और बहुत सारी और वेराइटीज़ हैं बासमती राइस, जो कि कौन ले गया, अमेरिका वाले ले गए चोरी से और वहाँ पे जाके अपना पेटेंट करवा लिया। तो यहाँ पे ये इस चोरी को हम बोलते हैं बायोपायरेसी, यहाँ पे आए चुपके से हमारा कोई भी, यहाँ पेटेंट किसको मिलता है, जहाँ पे वो पहले से मौजूद हो वाइल्ड फॉर्म में, जब हम उसको मॉडिफाई करके अपना कुछ बना लेते हैं तो उसको पेटेंट करवा लेते हैं, या फिर जो वाइल्ड फॉर्म है उसी को पेटेंट करवा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज करके वहां पे जाके और खुद के नाम पे पेटेंट करवा लिया, इंडिया वाले देखते रह गए। ठीक है, तो पेटेंट्स यही होता है कि जब भी हम कोई नई चीज बनाते हैं, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके या वाइल्ड में हमें कुछ नई चीज मिलती है, तो उसको हम पेटेंट करवा लेते हैं कि भाई हमारे सिवाय इसको कोई सेल नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा तो उसको अपना हिस्सा देना पड़ेगा उस प्रॉफिट में से। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हम काफ़ी सारे चीज़ों के साथ, काफ़ी यूनिट्स हैं मतलब आगे टॉपिक्स हैं, उनके साथ डील करेंगे। ऑर्गेनिजम्स, उनका क्या इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद में क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। पॉपुलेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के बाद में ह्यूमन प्लस हमारे आर बार के पेड़ पौधे हो गए, गाय भैंस जो भी हैं, वो सारी के सारे मिला के एक कम्युनिटी का फॉर्म बना देती है। ठीक है, और यही कम्युनिटी आगे जाके सारा का सारा धीरे 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 बड़ा होता होता क्या बना देता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना देती है, जिसमें एक साइकिल चलता रहता है। प्लांट्स की प्रोडक्शन होगी, प्लांट से हम कंज्यूम करते हैं, फिर हमारे को कोई, जैसे हम ही कंज्यूम हम करते हैं, हमें तो कोई नहीं कंज्यूम करता, बट जैसे हम एनिमल्स में एग्जांपल ले सकते हैं कि डियर उसको कंज्यूम कर रहा है, ग्रास को यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, डियर किसको कंज्यूम कर रहा है, ग्रास को, तो इस डियर को कौन कंज्यूम कर सकता है, आगे लायन कर सकता है, ठीक है, या फिर टाइगर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक पैटर्न चलता है उन सबको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्या कितनी किसकी प्रोडक्टिविटी है, 10% लॉ के बारे में देखेंगे कि जो 10% एनर्जी है वो ही ग्रास से डियर में आई है, उसी की 10% टाइगर में जाएगी। ठीक है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी भी यही हो गया, 10% लॉ पे ही चलती है कि 10% यहाँ से जो ग्रास की एनर्जी थी वो किसके अंदर आई, डियर के अंदर, और डियर से कहाँ पे आगे मसल एनर्जी आगे लाइन के अंदर। पिरामिड्स देखेंगे, बायोमास नंबर का, बायोमास एनर्जी न्यूट्रिएंट साइकिल, और ये सब कार्बन फॉस्फोरस इनके साइकिल्स पढ़ेंगे, पॉलिनेशन का, इकोलॉजिकल सर्विसेज जो हमें मिल रही है अपने आप, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्सप्लॉइट कर रहा है इसको, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं, जो वेराइटीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट हो रही हैं और धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो उन सबको कैसे ही, कैसे उनको कंजर्व करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे वो लॉस हो रही है उसको, कैसे उसको कंजर्व करना है, हॉटस्पॉट्स क्या होती हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हॉटस्पॉट्स जहाँ पे सिर्फ हॉटस्पॉट्स जहाँ पे कोई स्पीशीज है वो पर्टिकुलरली वहीं मिलेगी और हमें कहीं नहीं दिखने को मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, और बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट में मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें वहाँ पे वो मिलेंगी। रेड डाटा बुक होती है, IUCN को रिलीज़ करता है कि कौन सी जो स्पीशीज है वो अबंडेंट है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी कैसे, वो सारी इस रेड डाटा बुक में होती है। बायो रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं जो वहाँ पे हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज, आजकल जो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कौन से पोल्यूशन होते हैं, उनका क्या क्या कंट्रोल होता है, वो इस यूनिट में हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये सारा था जो 7 यूनिट्स हैं जूलॉजी के, उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में उसका एक इंट्रोडक्शन लिया है, डिस्कस किया है। जो हमारा नेक्स्ट, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा आपको बाय करने का। पहले तो जो हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे
वो डेली रहेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और कब मिलेंगी, आफ्टर ऑनवर्ड 2 PM, 2 PM के बाद में लाइव लेक्चर्स रहेंगे। अगर बाय चांस आप लाइव लेक्चर नहीं ले पाते हैं, आप वर्किंग है या आपकी टाइमिंग किसी भी तरीके से आप लेक्चर जो है वो छूट जाता है, तो आप उसको किसी भी टाइम पे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। अब जो आपको कंटेंट क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज MCQs PDF विद आंसर्स। अब जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वो चैप्टर्स जो डिस्कस किए हैं, उन चैप्टर्स का हर चैप्टर की एंड पे आपको क्या मिलेगा, एक MCQs की PDF फाइल मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वो MCQs में आप लगा के देखेंगे कि आपको कितना समझ आया, कितना लर्न हुआ है, और उनके साथ में आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और प्रीवियस जो हमारे अब तक के जो मास्टर कैडर्स हो चुके हैं, 4 पेपर्स हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, उनका सॉल्यूशन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, प्लस चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट भी होंगे वही सेम। और 5 mock मेगा जो मॉक टेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, कि जैसे हमारा कोई यूनिट कंप्लीट होता है या फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद में पूरे के पूरे सिलेबस का आपका टेस्ट लिया जाएगा। इस और इसके अलावा जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या आप इसको पेड को कोर्स को खरीदना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है सावल क्लासेस जबूर की एक ऐप है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स जब भी आप डाउनलोड करोगे, आप इसको ओपन करोगे, तो वहाँ पे जूलॉजी मास्टर कैडर साइंस के नाम से कोर्स आपको शो हो जाएगा, आप वहाँ जाके उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हो जो कि फ्री है, उसमें आप अपना जो मैथ नेम है, सिटी है और सब्जेक्ट है, उसको टाइप करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना, ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे, और उसको आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पे आपको जो फ्री लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस मिलती रहेंगी, लिंक्स मिलते रहेंगे, और जो हमारे पेड में इनरोल होगा उसको पेड के जो लिंक्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और जो एक और चीज़, हम MCQs बैच चलेगा, MCQs जो बैच होगा वो यूट्यूब पे फ्री दिया जाएगा, और जो थ्योरी बैच होंगे वो पेड रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।